गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोग ज्ञात हैं कि परीक्षा का डेट तो क्लियर हो गया, उसी क्रम में हम परीक्षा प्रिपरेशन, एग्ज़ाम प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए क्लास 10 लेवल के साइंस का एक एग्ज़ाम सीरीज, एग्ज़ाम की तैयारी के नाम से एक हम कोर्स एग्ज़ाम सीरीज जो है कि स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे कि जिसमें कि पहले हम बता चुके हैं कि हमारा कोर्स 20 डेज का है, जिसमें हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम। इसी क्रम में हम फर्स्ट सीरीज में आपको फिजिक्स, क्लास 10 लेवल के फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें हम बता रहे हैं। आपका यह लेसन है फिजिक्स का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी 90% और 80% चांसेस रहती है एग्ज़ाम में आने की, वह है आपका चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और बायो सावर्ट का नियम। इस हम सेक्शन में खंड में बताएंगे, ऐसे बहुत सारे जो है कि टॉपिक्स आते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। तो पहले हम अपना फोकस करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, किसे कहते हैं, रियली में है क्या। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित तल के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जिसे कहते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित तल के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। यदि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान B हो और तल का क्षेत्रफल A हो तो चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल बी ए, यदि तल क्षेत्र से थीटा डिग्री का कोण बनाता हो तो फाई इक्वल बी ए कॉस थीटा, और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। क्या होता है, वेबर, वेबर होता है, या इसको न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर, न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी क्रम में अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं।